और उसके साथ में हम लोग जे और नीट के पी व्यू सीरीज यानि भी आपको करवा रहे हैं तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर लेक्चर स्टार्ट द सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई साहब ये लेक्चर जो हम लोग ले रहे हैं कौन से चैप्टर से आया है टॉपिक क्या है तो गाइस ये बारहवीं क्लास के केमिस्ट्री में सोलिड स्टेट नाम से प्रेजेंट है और क्रिस्टल लेटेस्ट एंड यूनिट सेल्स इस टॉपिक का नाम है अब जानते हैं इन चीजों को डिटेल में सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होता क्या है या फिर लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट क्या होते हैं तो लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट का मीनिंग क्या होता है

बिल्कुल सही बात है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है और बेसिस और बेसिस का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं आपको स्ट्रक्चरल यूनिट और द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्ट्रक्चर मोटिव का मीनिंग क्या हो गया अगर मैं कहूं आपके सामने के कुछ पार्टिकल्स हैं सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं अब आप उन पार्टिकल्स को कैसे अरेंज कर रहे हैं ताकि एक इंटायर क्रिस्टल बन जा रहा है तो वो जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न होगा उसे हम लोग नाम दे रहे हैं बेसिस या फिर मोटिव

ये पार्टिकल जो थे थ्री डायमेंशन में इस तरह से रखे हुए एक लेयर, थी, ये एक लेयर है जब यही लेयर एक, के एक रखी जा रही है तो क्या हो गया एक पूरा का पूरा क्रिस्टल तैयार हो गया तो बस इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी चीज क्या है आप बोलेंगे कि सर जो ये है, जिस पैटर्न से ये अरेंज हुए जो फ्रेमवर्क इन्होंने फॉलो किया जो ढांचा इन्होंने बनाया

तो ये आपके सामने आ गया है कि भैया तीन चीजें थी नंबर वन लैटिस क्या है एटम आयन की position, उसकी सेंटर मोटिव क्या है उनकी उनका अरेंजमेंट का तरीका और क्रिस्टल क्या है जब इसको मोलिक्यूल at, आयन को जब मोटिव के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो जो बनने वाली स्ट्रक्चर थी उसे हम लोगों ने नाम दे दिया स्पेस क्या आप लोगों को मजा आया इसमें फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं और आगे से जो बेसिक चीजें वो जानते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड यूनिट सेल से रिलेटेड रिसेंटली पढ़ा कि हमने पढ़ा था देखिए एक थ्री अरेंजमेंट ऑफ ऑल ऑफ भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब सारे पार्टिकल्स अरेंज हो चुके हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो वो बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू द क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम बनने वाला ढांचा जो होता है क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं इसे स्पेस लैटिस भी इसी को कहा जाता है करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आता है लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट क्या होता है तो बेटा लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट अभी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल जो होता है ना उसी की पोजीशन को हम लोग नाम दे देते दे हैं लैटिस लैटिस पॉइंट ठीक है देखिए जैसे ये एग्जांपल भी दिया हुआ है यहां पे कि ये पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ कंसिस्टेंट पार्टिकल और पार्टिकल एटा मोलिकुला है कुछ भी हो सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर फिर आते हैं यूनिट सेल क्या है अब देखिए यूनिट सेल से समझिए देखो पार्टिकल तो एक इंडिविजुअल बेसिकली यूनिट हो गई

तो हम लोगों को यूनिट सेल का मीनिंग से समझ में आ रहा है कि सर जी पूरा का पूरा का क्रिस्टल जो होता है अगर उसका पोर्शन निकाल लें जो सबसे छोटा पोर्शन है जिसको बार बार रिपीट किया गया तो पूरा का पूरा यूनिट सेल यूनिट सेल दूसरी बात एक जो यूनिट सेल होता है वो बेसिकली वो सारे प्रॉपर्टी पोजेस करता है जो आपके क्रिस्टल सिस्टम या फिर स्पेस लैटिस के अंदर प्रेजेंट होती है यूनिट सेल चाहे आप डेंसिटी की बात करें चाहे आप उसका या एटमिकुलर मास की बात करें चाहे आप पर्टिकुलर किसी भी सब्सटेंस को लेके उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे यूनिट सेल के अंदर क्योंकि यूनिट सेल बेसिकली एक छोटा सबसे छोटा उसका प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेशन है करेक्ट बढ़ जाते नेक्स्ट पे तो ऐसे कितने टोटल क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं गाईस? टोटल ऐसे सात क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं कितने होते हैं सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं कौन कौन से हैं ये आपके सामने हाजिर हैं देखिए क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक है तो मैं जिस तरीके से आपको सिखाने वाला हूं इनकी सीक्वेंस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसी सिस्टम को देख के कि कौन सा सिस्टम कौन सा वाला होगा

तो जो सात तरह के सिस्टम्स मिले थे आपको वो सात तरह के सिस्टम्स किस तरह से वेरी करते हैं और वेरी करने की वजह से कितने पोजीशन पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो टोटल पोजीशन पॉसिबिलिटीज होती हैं फोर्टीन चौदह तरह के डिफरेंट डिफरेंट ऑरियंटेशन आते हैं और इन ओरियंटेशन को कलेक्टिवली नाम दिया गया ब्रवाइस लैटिस क्योंकि उन्होंने ये बेसिकली फाइंड आउट किया था तो ब्रवाइस लैटिस जो बेसिकली ब्रवाइस साइंटिस्ट उनके नाम पे दिया गया ये सारे आपके ब्रवाइस होते हैं जो मैंने लास्ट में दिखाया आपको वो सेवन सिस्टम्स थे उन सिस्टम से क्या क्या आता है हमारे पास में वेरिए क्यूबिक है तो क्यूबिक के अंदर एक सिंपल यूनिट सेल होगा एक फेस सेंटर होगा एक बॉडी सेंटर होगा तो तीन वेरिएशन इसके हो गए ऐसे टेट्रागन में तीन हो गए और गए और ऐसे मिला के टोटल हमें टोटल कितने मिलेंगे फोर्टीन पॉसिबिलिटीज इनको हम लोग नाम देते हैं लैटिस राइट तो सिस्टम कितने टोटल आप बोलेंगे सात सात में पॉसिबिलिटीज कितनी है 14. क्या बोलते हैं 14 को लैटिस आगे बढ़े चलिए और आगे डिटेल में जानते हैं तो किसी यूनिट सेल को अगर आपके सामने मैं यूनिट सेल रख दूं तो कौन से पैरामीटर्स को देख के आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये कौन सा टाइप का यूनिट सेल है और आपसे पूछता हूं कि और में क्या है। तो इसका आप कैसे निकाल पाएंगे उनके कुछ की और वो पैरामीटर जो होते हैं दो तरह के पैरामीटर होते हैं एक तो ये है आपके देखिए अगर मान लीजिए आपका कोई पर्टिकुलरली इस तरह से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको ये जीरो को जीरो को जीरो मेरा एक ओरिजिन मान लीजिए तो कोई भी पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होगी जो थ्री डायमेंशनल है वो जाहिर सी बात है कि वो इस पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करेगी तो जो फॉलो करेगी तो एक्स में कुछ वैल्यू होगी वाई में कुछ वैल्यू होगी और जेड में कुछ वैल्यू होगी तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह से एक क्यूब ले लूँ अच्छा इसका कलर ले डिफरेंट ले लेते हैं तो और मजा आएगा देखने में इसे मज़ा एक <coughs> मजे के चक्कर में अपन ने ये ख़राब कर दिया तो अगर मैं मान लीजिए एक किस तरह का क्यूब बना देता हूं दिखाई दे रहा है आप सब लोगों को क्यूब ये देखिए कैसा लगा है क्यूब आप लोगों को तो गई इस क्यूब की अगर एक बात की जाए इसकी ब्यूटी समझी जाए तो आप ये समझेंगे कि सर इस क्यूब के अंदर जो अलग अलग डायरेक्शन आ रही है वो ये आ रही है ये इधर एक्स एक्सिस आ रही है तो बेटा जो एक्सिस है उसको हमने ए नाम दे दिया इधर वाई एक्सिस की तरफ जो जा रहा है आप लोग मान लीजिए इसका नाम बी दे दिया और ये जो इधर जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है उसका नाम हम लोगों ने C दे दिया। तो करके हमें तीन मिले ए बी एंड लोग एजेस भी बोलते हैं अभी के लिए बोल देते हैं, कि ये एजेस भी हैं आपके करेक्ट फिर क्या होता है ये तो हो गया एक चीज अब आते हैं दूसरी चीज के ऊपर अच्छा इसने ये भी लिखा है कि ऐसा नहीं है हमेशा परपेंडिकुलर होंगे ही नहीं

बीटा और गामा तो अल्फा बीटा गामा ऐसे एबीसी जैसे ग्रीक बीटा हटा दिए गामा गया तीसरा बी और सी के बीच में क्या जाएगा बी और सी मतलब बीटा और गामा हटा दो बन तो गया अल्फा इसके बीच में अल्फा आएगा और अगर ए और सी के बीच की बात की जाए सी के बीच की बात की जाए तो उनके बीच में आ जाएगा बीटा

सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू जो बेसिकली एक ऐसी जो कंप्लीटली अपनेट करती है वो दो तरह की हो सकती है दूसरा होता है सेंट्रल प्रिमिटिव का मतलब साधारण बिल्कुल सिंपल सोबर यानी इसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ प्रेजेंट होंगे कॉर्नर के ऊपर देखिए वेन दिट पार्टिकल्स प्रजेंट ऑनलीफ एल इट इज कॉल्ड एज अटिविटी है और इसके अलावा और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होंगे करेक्ट फिर हम लोग बात करेंगे सेंटर, सेल तो, सेंटर सेल का मतलब क्या होता है सबसे बेसिक जो होता है गाइस सिंपल होता है सिंपल यूनिट सेल अगर उसके ऊपर आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर देते हैं तो वो बन जाता है सेंटर के अंदर यानी मान के चलिए इसी पोजीशन में फेस के सेंटर पे, या बॉडी के सेंटर पे, या एंड्स के सेंटर पे, दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे अगर मैं कोई पार्टिकल रख देता हूं तो ये पोजिशन जो होंगे होंगे इन्हें हम लोग कैटेगराइज करेंगे अंडर दी सेंटर्ड यूनिट सेल्स करेक्ट और अगर मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ पार्टिकल कॉर्नर पे छोड़े में तो वो बन जाएगा आपका नॉर्मल या नॉर्मल तो नहीं कहेंगे बोल देंगे सिंपल या फिर प्रिमेटिव यूनिट सेल राइट चलिए एक बार इसके बारे में डिटेल में जानते हैं तो उसमें क्या यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर

ये सारे जो पार्टिकल हैं कॉर्नर वाले ये कॉर्नर वाले पार्टिकल से टच कर रहे होंगे ये टच कर रहा होगा इसको इस बॉडी के डायगोनल के थ्रू ये टच कर रहा होगा इसके थ्रू और ये एक बॉडी डायगोनल है तो मैं एक जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है जिस लेक्चर का नाम है कैलकुलेशन फॉर द क्यूबिक यूनिट सेल उसके अंदर आपको कराने वाला हूँ किस तरह से बॉडी के डायगोनल्स को कैलकुलेट करा जाता है फेस डायगोनल कैलकुलेट करा जाता है क्या काउंट उनका होता है ये सब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेक्ट तो अभी तो इसको थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं बॉडी सेंटर हो गया तो बॉडी सेंटर के अंदर क्या क्या सीखा कि यूनिट सेल कंटेनिंग वन कॉन्स्टिट्यल एटमिकुलर एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स फ्रॉम द वन दैट इट्स कॉर्नर एंड देयर आर टोटल नाइन लैटिस पॉइंट दैट मींस अगर ये अगर मान लीजिए आपके सामने क्यूबिक अगर यूनिट सेल दी हुई है तो इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स है तो आप कहेंगे सर कॉर्नर वाले आठ प्लस एक बॉडी सेंटर तो टोटल कितने हो गए आठ प्लस एक नो अब बात करेंगे फेस सेंटर के बारे में तो फेस सेंटर मीनिंग क्या होता है कि जैसे मान के चलो क्यूब का एग्जांपल हम लोग इसलिए रहे क्योंकि क्यूब को प्रेजेंट करना बड़ा आसान होता है बहुत इजिली दिख जाता है क्यूब में तो क्यूब का अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूं तो इस यूनिट सेल के अंदर

Z, Z हो गया तो इस तरह से पार्टिकल जो रहेंगे वो कहा रहेंगे दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर के बीच में प्रेजेंट रहेंगे और कॉर्नर तो होगा ही होगा तभी तो जाके ये बना है सेंटर्ड सेंटर्ड यानी ओवरऑल इट इज कॉल्ड एज एंड यूनिट सेल बेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं वैसे तो इसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा टोटल <coughs> तो अगर लेटेस्ट की बात की जाए तो देखिए आठ तो कॉर्नर्स है और दो पार्टिकल जो होते हैं वो ऑपोजिटली सेंटर्ड फेसेस के होंगे फेस सेंटर्स में तो दो प्लस आठ टोटल दस पार्टिकल्स मिलके ये एक हम लोगों को ऐसा टाइप का यूनिट सेल मिला राइट चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अब जानते हैं कि टोटल जो हमारे सामने क्रिस्टल सिस्टम हम लोगों ने पढ़े थे सात तरह के उन सात तरह के क्रिस्टल सिस्टम को कैसे डिफाइन किया गया है कैसे उनको एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है डिफरेंशिएट किया गया है कैसे उनके यूनिट सेल्स के अंदर वेरिएशंस दिखाए गए हैं उसको जान लेते हैं यहां पे तो नंबर वन आपके सामने आता है पहला है क्यूबिकल क्यूबिकल जो होता है इसे हम लोग मोस्ट क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं और उसका कारण है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे लेंथ जो होते हैं इक्वल होते हैं ए बी सी इक्वल है उसके अलावा इसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो तो सारे के सारे एंगल्स मिलेंगे तो आपको नाइनटी डिग्री के देखो ना यार अच्छा ये जो इसमें वेरिएशन दिखाएगा तीन तरह के होते हैं देखो ये है ये कौन कौन सा हो गया सिंपल क्यूबिक हो गया ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो गया और ये वाला आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया ठीक है फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो इसलिए हम लोग रिप्रेजेंट भी भी इसको ऐसे करते हैं एस सी तो नहीं बोलते हैं एस सी भी बोल लेते हैं फिर प्रिमेटिव बोल देते हैं लेकिन इसको बी सी सी बोलते हैं बी सी में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट और ये बन जाता है एफ सी सी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है जिसके बारे में और डिटेल में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे क्योंकि बड़े ही इंपॉर्टेंट है तो इसमें आप देखेंगे कि सारे तो साइड इक्वल है ए बी सी क्योंकि क्यूब के होते हैं ना यार क्यूब के अंदर सारे साइड इक्वल होते हैं हमेशा और दूसरी बात कि क्यूब के अंदर सारे के सारे एंगल जो इंटरनल होंगे वो नाइन डिग्री होंगे और इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे एन की पैकिंग हो गई गोल्ड पैकिंग हो गई या कॉपर हो गया या जिंक ब्लेंड जो हो गया जिंक ब्लेंड जो हो होता है जेड होता है हमारा तो वो भी इस तरह से दिखाई देगा लेकिन एक और चीज में सिखाना चाह रहा था कि क्या आप लोग वंडर कर रहे हो क्या आप लोग ये गेस कर सकते हो कि वाई इज नॉट देर एनी बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इन द क्यूबिकल सिस्टम कौन मुझे इसको आंसर दे पाएगा गैस करके बताएगा मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए जिस भी लोगों ने इसके ऊपर दिमाग लगाया है इसका मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं लेकिन इसका आंसर मुझे चाहिए कि किसी भी क्यूबिक यूनिट सिस्टम में सिंपल क्यूबिक 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 बॉडी फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एंड सेंटर क्यों नहीं कर सकता है प्लीज मुझे इसका रीजन बताइए मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम अलाउ करता हूं <coughs> तो ये गाइस इस चीज को थोड़ा डिटेल में सुनने की कोशिश करें ये आपके सामने एक सिस्टम बना हुआ है जब ये एंड एंड सेंटर होगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए सिर्फ ये सिंपल क्यूब होता तो सिंपल क्यूब के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं एक फेस के वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको एक व्यू से उसके पीछे भी कुछ आठ पार्टिकल इस तरह से होंगे कुछ ऐसा करके मान लीजिए ऐसा दिखाई इस तरह से ये यूनिट सेल दिखाई देगा तो आप कह सकते हैं कि सर जो कॉर्नर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं जो कॉर्नर के पार्टिकल टच करेंगे तो एक तरह से ये आपकी लेंथ हो जाएगी ए और सेम लेंथ आपको हर तरफ दिखाई देगी यहाँ पे देख लो यहाँ पे देख लो इस तरफ देख लो सब आइडेंटिकल है लेकिन अगर यही चीज मैं कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ दिस यूनिट सेल जो कि हमारे सामने दिया हुआ है एंड सेंटर या फिर बेस सेंटर तो आप कैलकुलेट करके देखो ये दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे जब ये दो पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ ए है लेकिन क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो और, to और अगर ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो ये लेंथ जो ए थी ये से कुछ ज्यादा है तो जब बी ए से ज्यादा हो गया तो क्या मैं इस बॉडी को क्या मैं इस पूरे सिस्टम को क्यों बोल पाऊंगा क्योंकि क्यूब बेसिकली पॉपुलर है अपनी सिमेट्री के लिए सारे के सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए सारे एंगल 90 होने चाहिए और वो चीज यहां पे प्रूव नहीं हो पा रही है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी क्यूबिक सेल में दो ही या तीन तरह की पॉसिबिलिटीज है एक है हमारा सिंपल क्यूबिक दूसरा था हमारे सामने बॉडी सेंटर क्यूबिक और तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक तो सही लिखा आप लोगों ने बहुत से लोगों ने सही मुझे आंसर्स दिए इसके बारे में चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सिस्टम के बारे में जो के है हमारा

देखिए एग्जाम्पल जो होगा वो कभी भी आप नाम से गेस नहीं कर पाएंगे मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होगा जैसे मान लीजिए ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक है तो एक रोम्बिक सल्फर एक एग्जाम्पल हो गया तो मैच कर रहे हैं लेकिन बाकी के एग्जाम्पल आपको लर्न ही करने पड़ेंगे लेकिन एक बार जब आप इनको गोथ्रू करेंगे जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं तो आपको सारे एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे जैसे मोनोक्लिनिक सल्फर है तो मोनोक्लिनिक एक यूनिट सेल का नाम है और मोनोक्लिनिक सल्फर का भी नाम है और वो नाम डिराइव किया गया था उसकी पैकिंग की वजह से या फिर उसके क्रिस्टल की वजह से तो वो बड़ा अंडरस्टूड था यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है जैसे टेट्रागोनल में अगर मैं व्हाइटिन डाल रहा हूं एग्जाम्पल तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा बट हम लोगों को उसको लर्न करना पड़ेगा सो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे दो चीजें होती है दो टाइप की वेरिएशन से शो करेगा एक वेरिएशन का नाम है सिंपल यानी प्रिमिटिव वन और दूसरा वेरिएशन जो आपका ये आपके सामने दिया हुआ है जो कि है बॉडी सेंटर्ड तो बॉडी सेंटर यहां पे अभी तक कितनी जगह पे आया दो जगह पे एक क्यूबिक के अंदर आया दूसरा आया टेट्रागोनल के अंदर चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसकी स्पेशलिटी ये जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि बॉडी सेंटर कहां पे आया इसका आंसर आपको पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सो ध्यान रखिए चलिए कि कहां कहां पे बॉडी सेंटर प्रेजेंट है कमिंग टू द नेक्स्ट वन नेक्स्ट क्रिस्टल सिस्टम का नाम है ओर्थो

स्ट्रक्चर की वजह से इस ब्यूटी की वजह से कि इसके साइड साइड अनइक्वल हो सकते हैं ऑर्थोरोमिक इज द ओनली वन व्हिच एग्जिस्ट इन ऑल टाइप ऑफ वेरिएशंस जैसे सिंपल भी होगा या प्रिमिटिव भी होगा बॉडी सेंटर भी होगा फेस सेंटर भी होगा और एंड सेंटर या बेस सेंटर भी होगा इसलिए टोटल टाइप ऑफ वेरिएशंस इसके अंदर एग्जिस्ट कितने करते हैं फोर अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की तो रोम्बिक शब्द आ रहा है यहां तो आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि जो रोम्बिक सल्फर है वन ऑफ द एग्जांपल उसके अलावा जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है है बेरियम सल्फेट कम्स अंडर एग्जांपल ऑफ ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल्स चलिए नेक्स्ट जानते हैं अब क्या आएगा नेक्स्ट वन है हेक्सागनल एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्योंकि इसके ऊपर जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द डेरिवेशन ऑफ इट्स पैकिंग एफिशिएंसी इसके वॉल्यूम को ड्राइव किया गया था इसकी हाइट फाइंड आउट की गई थी तो इसीलिए एचसीपी वाला मुझे तो बड़ा ही पसंद है करेक्ट हम लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत ही डिटेल में मेरे एक लेक्चर में जहां पर मैं पूरा

और दूसरा साइड जो हो गया यहां पर मान लीजिए बी तो ये जो हेक्सागन बना हुआ है गाइस ये बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन होता है जो बेस है इसका वो रेगुलर हेक्सागन होता है और रेगुलर हेक्सागन का मीनिंग हो गया कि सारे साइड्स होते हैं इक्वल तो जब सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो आप कह सकते हैं कि सर यहां पे a b रहने वाला है करेक्ट लेकिन

एकदम बिल्कुल इक्वल ट्राइंगल होंगे कितना आएगा 60 डिग्री तो दो, तो दो साइड आपकी वो है ए और बी तो ए और बी के बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो होगा वन डिग्री क्या आप बता सकते हो कि ए और बी के बीच में जो एंगल बनता था उसका नेम क्या था अल्फा बीटा या गामा कमेंट करके बताओ मुझे क्या नाम आएगा इसका मैंने अभी सिखाया आपको दो मिनट पहले सिखाया मैंने कि ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा बीटा को अवॉइड करके बनेगा गामा करेक्ट तो गामा यहां पे होगा 120 और बाकी के जो एंगल्स रहेंगे बाकी जो हाइट होगी हमारी वो हाइट हमेशा बेस से जो एंगल बना रही है वो है 90 डिग्री इसलिए अल्फा और बीटा मिलेंगे 90 डिग्री सो कमिंग टू द एग्जांपल इसमें आते हैं डोलोमाइट कैडमियम सल्फाइड दैट इज सीडीएस जिंक ऑक्साइड ZnO एंड ग्रेफाइट तो ग्रेफाइट जो एग्जांपल है

ये आज के दिन का पांचवा हम लोग बेसिकली वेरिएशन लेके आए हैं जिसका नाम है रोमोहिड्रल या फिर ट्रायागोनल तो इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएशन है जिसे हम लोग बोलते हैं इसके भी देखिए बड़े ही इक्वल दिख रहे हैं लेकिन एंगल्स बड़े डिफरेंट दिख रहे हैं तो ये कह सकते हैं आपके कुछ इस तरह का हो गया है जो हमारा काइट जैसी शेप जो होती है ना जिसमें साइड सारे इक्वल हैं लेकिन एंगल जो है 90 नहीं है करेक्ट तो ये देखिए इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं

तब तक के लिए देखिए इधर कि इसमें दो टाइप के बेसिकली करते अंदर तो क्या होता था एक तरफ से निकलेंगे दूसरी तरफ से एग्जिट लेंगे दो ऑपोजिटली एग्जिस्टिंग फेस के सेंटर पे पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा अपार्ट फ्रॉम दी कॉर्नर्स तो यहां पे इसके अंदर देखेंगे आपकी साइड्स सारे ही अनइक्वल होते हैं

फिर आते हैं बोरेक्स और जिप्सम ये सब एग्जिस्ट करते हैं मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अब आ जाते हैं लास्ट और सेवेंथ वन हमारा क्रिस्टल सिस्टम जिसका नाम है ट्राइक्लिनिक तो यहां पे सबसे इजी फाइंड आउट करने वाले दो ही क्रिस्टल सिस्टम होते हैं एक तो क्यूबिक दूसरा ट्राइक्लिनिक ऐसा क्यों भाई क्योंकि क्यूबिक जहां पे सबसे ज्यादा सिमेट्रिक होने का दावा करता है वहीं पे

और इसके अलावा हमारे पास में एच जो है आपका बोरिक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं और फेल्ड्स पार जो फेल्स पार बेसिकली टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है रॉक और मिनरल के फॉर्म में तो ये सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं चलिए आपको लोग मजा आया होगा क्योंकि अब तक जितने भी हम लोगों ने क्रिस्टल सिस्टम पढ़े उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वेरिएशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं उन सबको मिला दें अगर एक बार में तो ऐसे फोर्टीन सिस्टम्स हम लोगों को मिले फोर्टीन वेरिएशन हम लोगों को मिले और इन्हीं को कलेक्टिवली बोला गया है ब्रावाइस लैटिस करेक्ट चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जो कि प्रेजेंट कर रहा है हमारे इस दिन का पहला क्वेश्चन द क्वेश्चन इज मोस्ट सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक क्रिस्टल रिस्पेक्टिवली तो आप लोगों ने जाना था अभी मैंने अभी जस्ट मेंशन किया मिनट्स पहले कि सबसे ज्यादा सिमेट्रिक वो होगा जिसके सारे साइड्स इक्वल जिसके सारे एंगल्स इक्वल और वो भी कितने 90 डिग्री के और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिक वो होगा जिनके सारे साइड्स बेकार हैं आपस में अनइक्वल हैं सारे के सारे एंगल अनइक्वल हैं और 90 डिग्री भी नहीं है तो फटाफट से बताइए मुझे हिंट भी दी हुई है आप लोगों के लिए हिंट चेक कर लेते हैं हिंट कह रहा है रिकॉल ऑल सेवन क्रिस्टल सिस्टम अब हिंट से मुझे लग तो नहीं रहा कि कोई बहुत ज्यादा मजा आया है हम लोग लेकिन आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने कवर कराया तो बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं आप सभी लोग मोस्ट ऑफ दी आंसर मुझे बहुत ही करेक्ट मिल रहे हैं आप लोग जानते हैं कि क्यूबिक सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है और हाईली इनसीमेट्रिक होता था ड्राया क्लिनिक तो सबसे ईजी ऑप्शन आ गया अपना ऑप्शन नंबर सी जैसे ही मैं सबमिट करता हूं इसमें कोई वाव की बात नहीं सारे है सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं इसी वजह से आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हैं चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बड़ा इजी क्वेश्चन था क्रिस्टल सिस्टम हैविंग ऑल थ्री सेंटर्ड यूनिट सेल इज अच्छा इसने बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेंटर्ड यूनिट सेल मिलते हैं देखिए प्रिमिटिव तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा और सेंटर जो होते हैं तीन तरह के मैंने बताए थे फेस सेंटर बॉडी सेंटर और एंड सेंटर तो ये सारे वेरिएशन किसमें मिलेंगे याद करो मैंने आपको एक क्रिस्टल सिस्टम बताया था वो थर्ड पोजिशन पे आया था उसमें मैंने बताया था कि जहां पे सारे साइड अनिकवल हो और एंगल सारे इक्वल हो नाइनटी डिग्री इक्वल उसके अंदर आपके पास में सारे वेरिएशन पाए जाते हैं और वो कौन है इट इज नन अदर देन द ऑर्थोरोम्बिक अच्छा हिंट लेके देखते हैं हिंट में लिखा रिकॉल ऑल सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स तो काफी मजेदार हिंट है वैसे लेकिन इसे आंसर तो नहीं पता लग पाया द आंसर इज चलिए पिक कर लेते हैं जो मैं आप लोगों ले के लेके आया था ये चेक करने के लिए आप कितने स्मूथली इस क्लास में बने हुए और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब सॉल्व करते हैं जे मेन 2019 का एक क्वेश्चन जो कि दो साल पहले पूछा गया है क्वेश्चन इज के विच प्रेमेटिव यूनिट सेल अनइक्वल

हिंट लिया कि मोस्ट अनसिमेट्रिक क्रिस्टल कौन सा है तो गाइज अब कंफर्म हो चुका है कि हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ ट्रैक लिनिक होने वाला है क्योंकि दो ही ऐसे बेसिकली यूनिट सेल थे जो बड़े फ्रिक्वेंटली दिमाग में आते एक सबसे सिमेट्रिक क्यूबिक दूसरा हाईली अनसिमेट्रिक ट्रैक लिनिक चलिए पिक कर लेते हैं ट्रैक और चेक करते हैं सही है कि नहीं और खूल वैसे खोल के कोई बात नहीं क्योंकि सारे सिस्टम जो हो हम लोगों ने अभी पढ़े हुए इसका मतलब ये हो गया कि हमें बहुत क्लैरिटी पहले से ही है जे के क्वेश्चन इतने आसानी से सॉल्व हो रहेगा इस यही ब्यूटी है इंटायर लेक्चर की अब आते हैं ट्वेंटी का क्वेश्चन करने के लिए जे मेन का क्वेश्चन है द पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल ऑफ अ सब्सटेंस एस एक्व टू पॉइंट फाइव बी है थ्री और सी है फोर अच्छा, अच्छा 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 मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन वही है कि कौन से टाइप के यूनिट सेल्स हैं कौन से टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है लेकिन पूछा जा रहा है बड़े डिफरेंट तरीके से देखिए ए दिया हुआ है टू पॉइंट फाइव यानी ए बी के इक्वल तो नहीं है और सी दिया हुआ है आपका फोर सी बी अनुअल है यानी पहले पैरामीटर जो होते थे छह पैरामीटर यूनिट सेल के किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके अंदर एक्सियल पैरामीटर तो अन एकवल है यानी क्यूबिक और इससे सिमिलर वाले जो होते थे टेट्रागनल और ऑर्थोरोमिक्स ये नहीं होने वाले या ऑर्थोरोमिक हो सकता है एंगल से पता लग गया है कि इससे पिछले सालों में जेई में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो चलिए हिंट लेके देखते हैं यहां पर एक बार यह भी दिया हुआ है कि अल्फा और गामा इक्वल है नाइनटी के लेकिन बीटा जो है वो अनइक्वल है 90 से यानी वो 120 डिग्री है और ऐसा एक ही सिस्टम था मुझे याद है क्या आप लोगों को याद है हिंट से देखते हैं हिंट ने बोला है द क्रिस्टल सिस्टम इज बाय वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ वाह क्या महान बात कही है कि इस क्रिस्टल सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया बाय द वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल लेंथ यानी यहां से हम लोग थोड़ा और कंफ्यूज हो चुके हैं कि कितने हमारे पास में ऐसे क्रिस्टल सिस्टम है जिसके पास में अनइक्वल लेंथ होगी तो यहाँ पे गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये विल बी और जितने भी मुझे आंसर मिले हैं ऑलमोस्ट सभी आंसर किया है कुछ लोगों ने हेग्जा भी लिखा है आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि हेग्जा के अंदर दो लेंथ इक्वल होती थी ए इक्वल टू बी यहां पे ए बी सी तीनों अनइक्वल है और जो एंगल्स होंगे उसमें दो नाइनटी डिग्री है दी ओनली करेक्ट ऑप्शन इज मोनोक्लिनिक पिक कर लीजिए इसको सबमिट कर लीजिए एंड इट इज शोइंग अस या

हिंट ले लेते हैं आप लोगों के लिए हिंट हमेशा अवेलेबल है कह रहा कि आर टोटल टू फेस सेंटर एंट टू एंट सेंटर आपको हिंट देने की कोशिश करता हूं आप लोगों ने पढ़ा था क्यूबिक यूनिट सेल तो क्यूबिक के अंदर आपने क्या पढ़ा था वहां पर बॉडी सेंटर एग्जिस्ट करता था स्टार्टिंग के जो तीन आपको सिस्टम कराए थे क्यूबिक टेक्ट्राकल एंड

Keep imbibing. We believe in you.